ओके तो ये कैमल्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या कर देगा, कैमल्स की जगह टाइगर्स कर देगा, कुछ भी कर देगा, हॉर्सेस कर देगा, क्वेश्चन तो वही रहना। 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल्स वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, कुछ टोटल कैमल्स होंगे हमें नहीं पता, उसका 1/4 पार्ट कहां पे दिखा, फॉरेस्ट में दिखा। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, जो टोटल ग्रुप था उसका स्क्वायर रूट लिया नंबर का और उसका डबल किया, तो वो कहां घूमने फिरने गया हुआ था, माउंटेन्स। और 15 कैमल्स कहां पे दिखे, बैंक बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, फाइंड द टोटल कैमल्स। तो यहां पे टोटल कैमल्स को आप एक्स लेके भी कर सकते हो और एक्स स्क्वायर लेके भी कर सकते हो। मैंने जानबूझ के एक्स स्क्वायर लिया क्योंकि इस लाइन में आपको फिर ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स से लिख दोगे आप। ठीक है, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। टोटल कैमल्स एक्स स्क्वायर माने हैं, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी लास्ट में उसका स्क्वायर भी करके दिखाना है, तभी आंसर आए। तो 1/4 कहां पे दिखे बताइए, फॉरेस्ट में। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 कहां दिखे, फॉरेस्ट में दिखे। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल मैंने कितने माने, एक्स स्क्वायर। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ, एक्स। तो 2x से लिख दूं इसको मैं, ठीक है, सक्षम आपका 36 है इसका आंसर। ओके, और 15 कहां दिखे हमें, बैंक ऑफ द रिवर के पास, नदी के किनारे। तो इन सब का एडिशन टोटल कैमल्स के इक्वल ही रख देंगे, तो टोटल कैमल्स मैंने कितने माने हैं, एक्स या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो आपकी मर्जी, आप एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं। अगर एक्स से करते तो क्या इक्वेशन बनती, एक्स बाय 4 + 2√x + 15 = x। फिर बाद में स्क्वेयरिंग वाले स्टेप करना पड़ता है, समझ गए मेरी बात। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए 4 LCM ले लूं दोनों तरफ का इकट्ठा, दोनों तरफ का इकट्ठा 4 LCM आया, x² + 8x + 60 = 4x². तो फाइनली क्या बना बेटा, 3x² - 8x - 60 = 0। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, माइनस का 180, और 18 × 10 क्या होता है, 180 होता है, 18 × 10 क्या होता है, 180 होता है। सिंपल सा टेबल ही तो लगाना था भैया, -18x + 10x - 60, 3x कॉमन तो x - 6 + 10 कॉमन तो x - 6, x - 6 पूरे में से कॉमन और 3x + 10। ठीक है, ये फाइनल बन गई आपकी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आएगी एक तो, एक्स की वैल्यू एक x - 6 = 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 6 आएगी। तो टोटल कैनवस कितने हो गए, 6 का स्क्वायर 36। अगर आप एक्स की वैल्यू 3x + 10 से निकालते हो, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने तो कैमल्स माने एक्स स्क्वायर, लेकिन कैमल्स तो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते ना। जब आप एक्स स्क्वायर करोगे, -10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, तो एक ग्रुप में 100/9 कैमल, मतलब 11:11 कैमल तो पूरे थे, बाकी 1/9 कैमल थे। ऐसा तो कभी कभी इंसान जानवर पक्षी ऐसी ऐसी चीजें कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो इसको क्या कर देना है, रिजेक्ट। तो हमारा आंसर, एक्स की वैल्यू तो 6 आई, टोटल कैमल्स 6 का स्क्वायर, आंसर क्या आया, 36 आया। आप सोचिए, खुद ही सोच लीजिए, 1/4 कहाँ घूमने गए हुए थे, 1/4 दिल्ली फॉरेस्ट। 36 का 1/4 करो तो कितना होता है, 9, 9 गए हुए थे फॉरेस्ट।
ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, 36 का स्क्वायर रूट 6, उसका डबल 12, वो माउंटेन्स गए हुए थे, प्लस 15 नदी किनारे पानी पी रहे थे, इन सब का एडिशन 36 ही आ रहा है। देखो आ रहा है, तो चेक भी हो गया ना हमारा आंसर, जो हमने निकाला वो चेक भी कर लिया हमने। तो मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, जो भी देख रहे हैं अभी, सभी बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है जब आप अपने आंसर को चेक करना शुरू कर देते हो। तो ये थोड़ी सी आदत डालो, अपने आंसर को स्टेटमेंट में पुट करके चेक करके देखो हमने सही निकाला, इससे आपकी मैथ्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग स्पेशली स्टेटमेंट सब में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है जी।